देश की पहली ट्रांसजेंडर दारोगा की कहानी इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे और कैसे बिहार ने इतिहास रच दिया है ये भी बताने जा रहे हैं। वैसे तो देश के पिछड़े राज्यों में से एक के तौर पे जाना जाता है बिहार को। उस राज्य की मजदूर तकरीबन देश के हर प्रदेश में मिल जाएंगे, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ मजदूर ही नहीं बल्कि अन्य पेशे के लोग भी आपको मिलते हैं। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जिनको रोजगार बिहार में मिला है शिक्षक के तौर पर। ये भी कहा जाता है कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था ऊपर वाले के भरोसे है, जॉब है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करप्शन की छाप है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद बिहार ने कैसे देश के सामने एक मिसाल कायम की है वो इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसने देश ही नहीं दुनिया को बिहार ने एक आईना दिखाया है, वो भी प्रगतिशीलता का एक ऐसा आईना जिसके इर्द गिर्द कोई राज्य नहीं आते हैं। दरअसल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मंगलवार को 1275 दारोगा पद पर बहाली का परिणाम घोषित कर दिया। इस दारोगा बहाली रिजल्ट के साथ ही भारत में एक नया इतिहास भी बन गया। हुआ ये कि दारोगा भर्ती परीक्षा में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर को एक साथ दारोगा बनने का मौका मिला है। ठीक सुना आपने, ट्रांसजेंडर बने हैं बिहार में दारोगा, और एक नहीं बल्कि ऐसे 3 हैं। ये लिस्ट सभी को बहुत चौंका रही है। भारत में किसी राज्य में कोई ट्रांसजेंडर दारोगा पद तक नहीं पहुंचा है। बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एक साथ 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बन चुके हैं। इसके पहले भारत में केरल की अगर हम बात करें तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जहां ट्रांसजेंडर के तौर पर एक सिपाही को सरकारी सेवा में नौकरी करने का मौका मिल सका है। बिहार में जो 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने हैं उनमें भागलपुर की मधु का नाम भी शामिल है। मधु मूल रूप से ट्रांसजेंडर विमेन है। सामाजिक स्तर पर कई तरह की प्रताड़ना झेलने वाली मधु 2014 में घर छोड़कर भाग निकली थी, लेकिन उसके बाद उसने कमाल कर दिया। कोचिंग संस्थानों ने नामांकन से भी इनकार कर दिया था। मधु ने ये बताया कि मेरी वजह से परिवार वालों को तमाम तरह की उलाहना भरी बातें सुनने को उन्हें मिली, तो मन विचलित हो जाता था। जब अंत में कोई चारा नहीं बचा तब घर छोड़कर भाग निकली। मधु ने मैट्रिक, इंटर और पॉलिटिकल साइंस के साथ BA ऑनर्स की पढ़ाई की है। ट्रांसजेंडर के प्रति समाज में गलत रवैया को देखकर मधु के मन में कुछ करने की प्रेरणा मिली और इसी प्रेरणा के साथ वो 2022 में पटना चली आई। पटना आने के बाद उनका संघर्ष जारी रहा। कई कोचिंग संस्थानों में मधु गई, लेकिन सभी ने नामांकन करने से इनकार कर दिया। मधु बस और बस केवल दारोगा बनने की लालसा लेकर पटना पहुंची थी। अंत में उन्हें गुरु रहमान मिल गए। गुरु रहमान ने दिया साथ तो मधु ने बना दिया इतिहास। उन्होंने बताया कि गुरु रहमान ने मधु और उनके 2 साथियों को पढ़ाने की ठान ली और आखिरकार जब रिजल्ट आया तो बिहार में 3 ट्रांसजेंडर गुरु रहमान के गुरुकुल के ही शिष्य थे। मधु बताती कि 5 से 6 घंटे तक नियमित पढ़ाई करती थी। उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मन की साहस ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में काफ़ी मदद की है। मधु मानती हैं कि दारोगा बनने के बाद वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ढेर सारा काम करेंगी। उन्होंने सामाजिक स्तर पर ट्रांसजेंडरों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर भी ईश्वर की ही देन है, उन्हें अलग से देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मधु सहित जो और 2 दारोगा हैं उनको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।